सो गाइस, मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट अच्छे राजवी, और मैं आज आपको बताऊंगा कि आप सेल्फ मोटिवेशन कैसे हासिल कर सकते हैं, आप खुद को मोटिवेट कैसे कर सकते हैं। कभी आपने सोचा नहीं कि हम क्यों इस दुनिया में हैं, हमारे गोल्स क्या हैं, हमने करना क्या है, हमने सोचना क्या है, हमारी थिंकिंग क्या है। चलो आज इस वीडियो को यहाँ पर यूज़ करो और सोचो हमारे गोल्स क्या हैं, हमने करना क्या है, हमने सोचा क्या है। क्या हमने सिर्फ लोगों का सर्वर बनने का ठेका लिया है? कुछ दुनिया में उखाड़ना है, अगर तो दुनिया में कुछ उखाड़ना है तो ये वीडियो देख ले, और अगर नहीं उखाड़ना तो भाई अभी चैनल पे अनलाइक करके आप जा सकते हैं, बिछा के रिपोर्ट कर दें, क्योंकि जरा फर्क नहीं पड़ता। तो चलते अपनी वीडियो की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, तो लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं लोग, सोचें जरा, सोचें आराम से, सोचें वीडियो को व्यूज करें, सोचें लोग क्या सोचें। आपको फेल हो गए या आप सक्सेसफुल हैं, लोगों को क्या फर्क पड़ता है? लोग फेम के पीछे भागते हैं, पैसे के पीछे भागते हैं, ठीक है, वो डिपेंड आप पे करता है कि आपने हर गोल का आप मरकज, सेंट्रल पॉइंट आपने लोगों को बनाना है या अपनी उस गोल को बनाना है। सो फोकस ऑन योर गोल्स। दुनिया को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोचते हैं, आप क्या कर रहे हैं, उन्होंने बातें करनी है, चले जाना है। अगर आप चाहते हैं कि आप दुनिया में अपना गोल हासिल करें, और जब पूरी दुनिया आपको गालियां निकाल रही हो कि तेरे से भाई नहीं होगा, तेरे से नहीं होगा, कोई आपके साथ ना हो, कोई आपके आपको हौसला देने वाला ना हो, वही ऐसा फेज होता है जिसमें आपको चुनना पड़ता है कि आपने खाक से खाक में जाना है या खाक से आसमान में जाना है। तो ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। और जब कोई आपका सुनने वाला ना हो और रोने को दिल करे, तो अपने आप से बात किया करें, शीशे के सामने जाए, और जो जिंदगी से दूसरे की बड़ास है ना, वो अपने पे निकालें, उस आईने पे निकालें, खुद को गालियां निकालें कि भाई तू निकम्मा है, ठोक है, ठीक है, ये नहीं कहना, कहना है कि भाई तू कर सकता है, तू कर सकता है, तू कर सकता है, तू कर सकता है। जब आप ये कहेंगे, जब आप ये कहेंगे कि भाई तू कर सकता है, अगर हम सोचें, आप सोचें कि आपने किया भी होगा, तो कोई चीज़ मुश्किल आती है, हम कहते हैं यार ये नहीं हो सकती, हमने करके देख लिया, ऐसा हो ही नहीं सकता, बहुत कर लिया, बहुत रो लिया, बहुत मार लिया, ऐसा होगा ही नहीं कभी, ऐसा हो सकता ही नहीं है। तो भाई मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसा हो सकता है, अगर हम करना चाहें तो उसके लिए करना क्या होगा, उसके लिए करना ये होगा कि हमें सोचना होगा कि यार हमारा ज़िंदगी में मोटिव क्या है, ठीक है। हम शीशे के सामने जाएंगे, हम कहेंगे यार ये मैं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, जिस तरह हम ये कहते हैं कि नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, अगर हम ये कहेंगे हम कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं, तो भाई हम कर सकते हैं, हमारा दिमाग हमें 100-150 सोल्यूशन दे देगा कि भाई इस तरह से हो सकता है, इस तरह से नहीं हो सकता, तो इस तरह से हो सकता है। और अगर आप फेल होंगे तो उसे दिल से नहीं लगाना, उसे बिल्कुल दिल से नहीं लगाना। क्या हुआ, कोई दुनिया ने हमें छोड़ थोड़ी जाना है,
हाँ, तो आपने यस थिंक करना है कि हमने अब करना क्या, हमने लोगों की सुननी है या लोगों को ये एक्सेप्ट करने पर मजबूर कर देना कि वो लोग आपको फॉलो करें। तो याद रखें, लोग उसके पीछे आते हैं जो लोगों के पीछे नहीं जाता, लोग उनके पीछे आते हैं जो लोगों के पीछे नहीं जाते। तो आपने अपने गोल्स फॉलो करने हैं या लोगों को फॉलो करना है भाई। अगर आपने किसी बंदे को रोका है, एक दफा रोका, दो दफा रोका है, तो भाई तीसरी दफा क्यों रोक रहे हो उसको? जाने दो, वो जा रहा है भाड़ में रहे, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। और हमें टाइम की कदर करना नहीं आती, हमें पैसे की कदर करना आती है। हम सोचते हैं दुनिया में वो सक्सेसफुल बंदा है जिसके पास पैसा है ना, हम ये नहीं सोचते दुनिया में वो सक्सेसफुल बंदा है जिसके पास बहुत सारा टाइम है। वो और वो उस टाइम को सही फेस में, सही थिंकिंग के साथ, सही जगह पर आके लगाता है। तो आपको क्या करना है? आपने पैसा फॉलो करना है जो कि अगर आप सही फेस में, सही थिंग के साथ, सही जगह पे लगा दे तो पैसा आपको फॉलो खुद करेगा, या आपने पैसे के पीछे भागना ये चाहते हैं कि पैसा आपके पीछे भागे? जाहिर है सब सोच रहे होंगे, अगर यार पैसा हमारे पीछे भाग रहा है तो फिर किस चीज़ की टेंशन है हमको पैसे के पीछे भागे? यही जिंदगी की हकीकत है। तो जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास, बड़े जो हैं उनकी तो गुजर गई जितनी गुजरनी थी, इसकी हमारे पास तो टाइम है ना, हम तो यूज़ कर सकते हैं, हम तो उसे सही जगह पे यूज़ करें। तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए हमें यह करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सोचना है कि हमारे लिए बेटर क्या है। और अगर हम, हमारे लिए हर चीज़ हमारे माइंड में सेटअप यही पड़ा हुआ है, पैसा 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 पैसा, और अगर हम टाइम की जगह पैसा काउंट करें, यानी कि ये जो आजकल का दौर चल रहा है इसमें आइडियल पे कितनी होगी, कमेंट कर दीजिएगा आइडियल पे कितनी होगी। मेरे हिसाब से 2.5-2 लाख रुपया पर मंथ अच्छी पे मिल होती है। तो आप ऐसा करें, इस 2.5-2 लाख को आप कैलकुलेट कर दें, करें कैलकुलेट, करें अकाउंट, तो मिनिमम कितनी अमाउंट बनती है पर मंथ? अगर हम लाख का अंदाजा लगाएं तो पर डे तकरीबन 4 लाख, इस तरह तकरीबन हो गई समझ ले पर डे आपकी पे होगी 10,000 रुपया। और अब आपको सोचना है कि वो 10,000 रुपया आपने इन्वेस्ट किस तरीके से करना है, यानी कि अगर आपका एक दिन जाया हो गया है तो आपके 10,000 रुपया गया, सोचे तो क्या हम, और वो लगना भी चाहिए कि दिल को कि यार हमारा 10,000 रुपया चला गया। अब हम जिस मुकाम पे खड़े हैं, हम मिसाल के तौर पर जिस मुकाम पे खड़े हैं, हम पे लेते हैं 25,000 रुपया, तो हमने 25 को 10 गुना करने के लिए, यानी कि 10 गुना करने के लिए, 2.5 लाख करने के लिए पर मंथ क्या करना है, क्या करें? तो सोचें, और मज़ीद वीडियोस के लिए भाई के चैनल को फॉलो करें, इसने लाइक नहीं किया तो काइंडली लाइक करो पहला। तो
तो गाइस लोग, बाइक की पहली वीडियो है, सपोर्ट की ज़रूरत है, सपोर्ट करो। मज़ीद मोटिवेशन के लिए मैं इंस्टाग्राम का लिंक बायो में भी दिया हुआ चैनल के, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, अगर किसी बात की सलूशन की ज़रूरत हो और कोई टेंशन हो तो भाई से रब्ता कर सकते हैं। भाई हाजिर, ठीक है, जैसे कि भाई हाजिर है आपके हर सलूशन के लिए, ठीक है। तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर पल्ले पड़ी या कोई चीज़ नहीं पड़ी तो कमेंट कर दो कि बकवास है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो इसे बेटर कंटेंट के साथ आएगी, ठीक है। तो जो मैंने आज बताया उसे थिंक करो कि हमारा लाइफ में मोटिव, हमारा लाइफ में जो मोटिव है वो क्या है, हमने जो फेलियर है उसे सीने से नहीं लगाना, हमने खाक से आसमान की तरफ जाना है, ना कि खाक से खाक में मिलना है। यानी कि मेरा बाप मोची है तो मैं भी मोची बनूंगा, भाई क्यों? आप बिल गेट्स भी तो बन सकते हैं, हजारों एग्जाम्पल दुनिया में। तो दुआ में याद रखिएगा अल्लाह।